नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों के सर्वे को रिपोर्ट आने के बाद धक्का लगा है। बीजेपी की सबसे बुरी हालत ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा अंचल में है। कुल 230 सीटों वाली प्रदेश विधानसभा में मालवा निमाड़ अंचल की 66 सीटें शामिल हैं, जबकि ग्वालियर चंबल संभाग में 8 जिलों की कुल 34 विधानसभा सीट है, जो कि कुल सीटों की लगभग आधी सीटें हैं। और इन दोनों संभाग को प्रदेश में सरकार बनाने में अहम रोल रहता है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस इन संभाग पर रहता है। बीजेपी की सर्वे रिपोर्ट में ग्वालियर चंबल को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट आई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। इस इलाके में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं, लेकिन 2018 में बीजेपी केवल 7 सीट ही जीत सकी थी। हालांकि 2020 में सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद यहां का समीकरण जरूर बदल गया था। उपचुनाव में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ग्वालियर चंबल संभाग से केंद्र में 2 मंत्री हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर। ग्वालियर चंबल को साधने के लिए बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बना दिया है। वहीं सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को नई जिम्मेदारी देकर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए मैदान में उतार दिया गया है। प्रदेश में पार्टी को दयनीय स्थिति से निकालने के लिए खुद अमित शाह मैदान में उतर चुके हैं और लगातार प्रदेश का दौरा कर नेताओं को नए नए टारगेट दे रहे हैं। बीजेपी पार्टी ने हाल ही में जो अपना सर्वे करवाया है, इसकी रिपोर्ट पार्टी के पक्ष में नहीं आई है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के सर्वे में 3 इलाकों का फीडबैक नेगेटिव मिला है। अब इन इलाकों को साधने के लिए अमित नया प्लान बना रहे हैं। वहीं खुद सीएम शिवराज सिंह हर दिन विकास पर्व के नाम पर आम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी के लिए दूसरी परेशानी टिकट की दावेदारों ने खड़ी कर रखी है। टिकट के दावेदारों की संख्या कम करने के लिए पार्टी ने हर दावेदार के सामने एक अनोखी शर्त रख दी है। इस शर्त के अनुसार हर दावेदार से कहा गया है कि टिकट की दावेदारी करने से पहले अपने विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2000 नए मतदाता जोड़े। यही नहीं, नए मतदाताओं का बूथवार ब्यौरा जिलाध्यक्ष को भी देना होगा। 2 अगस्त से चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया है, अब जो 31 अगस्त तक चलेगा। दरअसल पार्टी नेतृत्व को शिकायत मिली थी कि विधानसभा क्षेत्र में टिकट के दावेदार अपने ही विधायक के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। वे इंटरनेट मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विधायक और सरकार के खिलाफ अनगढ़ बातें लिखते हैं, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। दरअसल पार्टी नेतृत्व को शिकायत मिली थी कि विधानसभा क्षेत्र में टिकट के दावेदार अपने ही विधायक के खिलाफ अभियान चलाए हुए हैं। वे इंटरनेट मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विधायक और सरकार के खिलाफ अनाप शनाप बातें लिखते हैं, जिससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। ऐसे दावेदारों द्वारा फैलाई जा रही नकारात्मकता से निपटने के लिए भाजपा नेतृत्व ने उन्हें सकारात्मक काम की जिम्मेदारी दी है। संगठन के बड़े नेताओं का मानना है कि इस शर्त से उन दावेदारों की संख्या घट जाएगी जो जातिवाद, गुटबाजी या किसी बड़े नेता के नाम पर टिकट पाने का सपना देख रहे हैं और पार्टी में गुटबाजी पर लगाम कसी जा सकेगी।